दोस्तों, जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, हम भारत के लोग ही अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। और धीरे धीरे हम सभी के मन में ये धारणा आती जा रही है कि जो हमारे धार्मिक पुराण या धार्मिक ग्रंथ है, वो सिर्फ कुछ मनगढ़ंत कहानियों पर आधारित है, जिनका सच्चाई से कोई वास्ता नहीं है, और वो सिर्फ और सिर्फ हमें भटकाने का काम करते हैं। लोग कहते हैं कि ये सारी चीजें सिर्फ कहानियां हैं, जिनको पढ़कर इंसान सिर्फ एक पंडित बन सकता है और कभी भी सफल नहीं हो सकता। पर मेरे यार, अगर इस सेंस में बात करें तो रॉबर्ट ओपेनहाइमर और स्टीव जॉब्स से बड़ा कोई पंडित तो था ही नहीं, क्योंकि उनके मोटिवेशन से लेकर इन्वेंशंस और इनोवेशंस तक सब कुछ भगवद गीता की नींव पर ही खड़ी है। और अगर आपको लगता है कि धार्मिक ग्रंथ आपको कभी भी सफल नहीं बना सकता, तो आप इन लोगों को किस नजरिए से असफल मानते हैं? हमें सिर्फ इस बात का जवाब दे दीजिए। साइंस के जो कॉन्सेप्ट हमें आज भी विचलित कर रही है, इनको आज से हजारों लाखों साल पहले एक्सपीरियंस किया गया था। और हमारे धार्मिक ग्रंथों एवं लौकिक कथाओं में ऐसे कई सारे साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है, जिन्हें खोजे हुए शायद अभी 100 साल भी नहीं बीते होंगे, या कुछ तो ऐसे भी होंगे जिन्हें अभी तक खोजा भी नहीं गया होगा। लेकिन इन सभी के प्रमाण आपको हमारे पौराणिक ग्रंथों में मिल जाएंगे। मल्टीवर्स, जिसका कॉन्सेप्ट अभी कुछ ही दशकों पहले आया रामायण की एक कथा में, श्री राम जी ने खुद हनुमान जी को इस बात का रियलाइजेशन करवाया था। यहाँ तक कि मैटर कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, यह कॉन्सेप्ट भी भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। और एंडलेस साइकिल ऑफ क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन का कॉन्सेप्ट भी श्री राम और श्री कृष्ण दोनों ही इस दुनिया को तब दे चुके थे जब शायद विज्ञान शब्द की खोज भी नहीं हुई होगी। आज के इस वीडियो में हम लोग साइंस से थोड़ा हटकर आपको अपने कल्चर की इम्पोर्टेंस बताने के लिए उस कहानी के बारे में बताने वाले हैं, जब श्री राम ने हनुमान जी को मल्टीवर्स से रूबरू करवाया था। और ऐसे ही कुछ बेहतरीन चीजें जिनके बारे में जानकर आपको अपने भारतीय संस्कृति पर बहुत गर्व होगा। तो हेलो गाइज, मैं कौशिक, और चलिए रुख मोड़ते हैं उस स्वर्णिम ज्ञान के इतिहास की तरफ जो आपकी मानसिकता बदल देगा। दोस्तों, रामायण की हमारी ये कहानी शुरू होती है उस दौर से जब भगवान श्री राम और रावण के युद्ध को खत्म हुए दशकों बीत चुके थे, और कई साल राज करने के बाद भगवान श्री राम ने राम राज्य स्थापित कर दिया था। अब चूंकि उस वक्त भगवान भी इंसान के रूप में जन्मे थे, इसलिए उनको भी इंसानों की तरह ही अपनी लीला खत्म करके वापस से वैकुंठ लोक में जाना था, जिसके लिए उन्हें धरती पर अपने श्री राम के रूप को त्यागने की जरूरत थी। पर वो ये जानते थे कि उनके परम भक्त हनुमान जी उन्हें ऐसा करने नहीं देंगे, और उन्हें मृत्यु की ओर जाने से रोकने के लिए वो मृत्यु के देवता यानी कि यमराज से भी लड़ जाएंगे, जिस वजह से उनका ये जानना जरूरी था कि हमारा ब्रह्मांड कितना छोटा है और ये कितने बड़े संग्रह का पार्ट है जो एंडलेसली चलता रहेगा। और उन्हें यही बात समझाने के लिए कि कोई भी चीज कभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं होता, बल्कि वो दोबारा से जरूर घटित होता है, और अनंत ब्रह्मांड में वो घटना घटती ही रहती है। इस तथ्य से रूबरू करवाने के लिए उन्होंने एक आखिरी लीला का प्लान बनाया। उन्होंने जमीन पर एक दरार बनाई और इस छोटी सी दरार के नीचे अपनी अंगूठी डाल दी और हनुमान जी को अपने पास आने के लिए आमंत्रित किया। अब इतनी छोटी दरार में अंगूठी चले जाने का मतलब ये था कि राम जी उसको मनुष्य के रूप में नहीं ला सकते थे, जिस वजह से उन्होंने हनुमान जी को कहा कि वो छोटा आकार लेकर उस दरार के अंदर चले जाए और नीचे से उनकी वो अंगूठी लेकर आए। हनुमान जी ने इस पूरी बात को सुनी और बस फिर क्या था, अपने ईश्वर की परेशानी को जानते ही उन्होंने तुरंत अपना आकार छोटा किया और धरती के नीचे तब तक जाने लगे जब तक कि उन्हें कोई छोर नहीं मिल गया। जब आखिरकार उन्हें धरातल के नीचे थोड़ी जमीन दिखने लगी, तो वहां पर उनकी मुलाकात हुई हमारे पुराणों के हिसाब से नागलोक के राजा कहे जाने वाले वासुकी जी से, जिनसे मिलकर उन्होंने बताया कि उनके भगवान श्री राम की अंगूठी नीचे आकर गिर गई है। जिसको सुनने के बाद वासुकी जी का सबसे पहला सवाल था कि कौन से वाले श्री राम की अंगूठी। अब कोई भी अगर जनरली किसी चीज को ढूंढ रहा हो और ऐसा जवाब सुन ले, तो वो ऑब्वियसली हैरान रह जाएगा। और उससे पहले कि हनुमान जी कुछ कह पाते, वासुकी जी ने एक सोने के पहाड़ की ओर इशारा किया और उनसे कहा कि आपके श्री राम की अंगूठी आपको वहां पर मिल जाएगी। वो खुशी के मारे पहाड़ के पास गए और लकीली उन्होंने अपने सामने पड़ी पहाड़ की अंगूठी को जब उठाकर देखा, तो उन्हें भगवान राम की अंगूठी दिखाई दी। लेकिन जब उन्होंने कुछ दूर अपनी नजर दौड़ाई, तो उन्होंने हूबहू वैसे ही एक और अंगूठी देखी। और गौर से देखने पर उन्होंने पाया कि जिस सोने की पहाड़ को वो नॉर्मल पहाड़ समझ रहे थे, वो दरअसल हूबहू श्री राम जैसी अंगूठियों का ही ढेर था, जहां पर भगवान राम की इतनी सारी अंगूठियां पड़ी हुई थी कि उन्होंने एक विशालकाय पहाड़ की संरचना कर दी थी।
अब ये सब देखकर हनुमान जी भी भौचक्के रह गए और उन्होंने पास खड़े वासुकी जी से पूछा कि इनमें से प्रभु श्री राम की अंगूठी कौन सी है, जिसके जवाब में वासुकी जी ने कहा कि परम भक्त होने के नाते आप एक बार गौर से देखिए, ये सारी की सारी अंगूठियां श्री विष्णु के अवतार भगवान श्री राम की है। और जब ये सुनने के बाद भी हनुमान जी को पूरी तरह रियलाइज नहीं हुआ कि आखिर माजरा क्या है, तो वासुकी जी ने उन्हें वो अमूल्य ज्ञान दिया जिसे पाने के लिए इंसानों ने सदियां बिता दी थी। उन्होंने बताया कि हर त्रेता युग में हर ब्रह्मांड से श्री राम अपनी अंगूठी यूं पाताल लोक में भेज देते हैं ताकि आपको इस बात का एहसास हो सके कि आपके श्री राम इस अनंत ब्रह्मांड में इकलौते श्री राम नहीं है, बल्कि इस काल की तरह ही किसी और ब्रह्मांड में श्री राम इसी तरह की लीलाएं रच रहे हैं और अपना मनुष्य जीवन समाप्त करने के बाद वो वापस से कलयुग तक जाकर सृष्टि का सर्वनाश कर देते हैं और उसको पुनः स्थापित करते हैं ताकि वो पुनर्जन्म ले सके, और यह प्रक्रिया अनंत तक चलती रहती है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि यही किसी भी माइथोलॉजी में वो पहली बार था जब पैरेलल यूनिवर्स जैसे कॉन्सेप्ट का जिक्र हुआ था। अब माइथोलॉजी की इस कहानी से ये बात तो सिद्ध होती है कि हमारे ही यूनिवर्स की तरह कई अलग अलग यूनिवर्सेस में भी ऐसे घटनाक्रम कुछ सिग्निफिकेंट अनचेंज्ड चीजों के साथ घटते हैं ताकि उस टाइमलाइन का संतुलन बना रहे। मगर यार साथ ही साथ इस कहानी से जिस एक और थ्योरी की नींव रखी गई है वो है एंडलेस साइकिल ऑफ क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन का। दोस्तों हमारा साइंस ये कहता है कि एनर्जी और मैटर को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, बल्कि इन सभी का रूप बदलता रहता है, जिस वजह से ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में सर्कमस्टेंसेस की वजह से कन्वर्ट होती रहती है। और एक पॉइंट ऐसा भी आता है जब ये वापस से उस चीज में कन्वर्ट हो जाती है जिस चीज से इनका ओरिजिन जुड़ा हुआ था। अब इसको तो आप जानते होंगे, इसे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर कहा जाता है। साथ ही इस कहानी में यह भी बताया गया है कि हमारे टाइम में जो चीज पहले फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी वो एक समय के बाद बैकवर्ड में आकर वापस से डिस्ट्रॉय भी जरूर होगी। अब जैसा कि हमें इस कहानी में बताया गया है कि चार युगों के बाद जब मानवता पूरी तरह से पाप में विलीन हो चुकी होगी तब भगवान विष्णु मानवता का खात्मा करके एक बार फिर से धरती को धर्म से पुनः स्थापित करेंगे। अब उसी तरह से अगर आप यूनिवर्स को भी देखें तो बिग बैंग से जिस तरह से हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई और उसका एक्सपेंशन हो रहा है, उसी तरह एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद ये यूनिवर्स सिकुड़ने भी लगेगा और वापस से एक सिंगुलैरिटी में बदल जाएगा ताकि फिर से बिग बैंग के द्वारा जीवन को पुनः स्थापित कर सके। भगवत गीता में भी तो श्री कृष्ण ने अपना विकराल रूप दिखाते हुए अर्जुन को यही बात समझाई थी कि जिन नाते रिश्तेदारों का वह अभी वध करेगा वो अल्टीमेटली थोड़े समय के बाद किसी नए शरीर का रूप ले लेंगे, क्योंकि आत्मा एक तरह की एनर्जी है और वो इनडिस्ट्रक्टिबल होता है। और इसी वजह से इंसान का शरीर भले ही आत्मा त्याग कर अंतिम संस्कार होने के बाद अपना रूप बदल लेता है, लेकिन आत्मा एनर्जी होने के नाते कॉन्स्टेंटली हमेशा जिंदा रहती है, जिस वजह से उसका अंत करना तो मुमकिन ही नहीं है। इसके अलावा हमारे वेदों एवं पुराणों में हमेशा से इस बात का जिक्र किया जाता है कि हमारी पूरी धरती एक मायावी दुनिया है जिसका पालनहार किसी और जगत में सभी जीवित प्राणियों को एक रंगमंच की तरह देखता है। उन पुराणों के हिसाब से हमारे द्वारा लिया गया हर एक फैसला हमारी नियति की ही देन होती है और हम लोग जो कुछ भी करने वाले हैं वह या तो पहले से ही निर्धारित किया जा चुका है या फिर वह सब कुछ विधि का विधान होता है जिसको बड़ी सी बड़ी ताकत भी नहीं मिटा सकती। लेकिन गौर से देखने पर तो हमें ये पता चलता है कि सिमुलेशन हाइपोथेसिस नाम की दुनिया की सबसे मशहूर थियोरीज में से एक थियोरी भी तो कुछ यही प्रिडिक्ट करती है जो शास्त्रों में हजारों साल पहले लिखा जा चुका है। श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय के 3रे श्लोक में लिखा गया है, मम योनिर महाद ब्रह्म तस्मिन् गर्भम ददामि अहम् संभव सर्वभूतनम् ततो भवति भारत। अर्थात इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरे गर्भ में ही महान प्रकृति और माया बसी है और वही प्रकृति सभी जीवों के जन्म का स्रोत है और अपने इस गर्भ में भी मैं जीवन के रोगाणु रखता हूँ और इसी प्रकार यह सभी जीवित प्राणियों के जन्म को संभव बनाता है। इन शॉर्ट यहाँ पर भगवान को इस मायावी दुनिया में इंसानों के रचयिता के रूप में चित्रित किया गया है जो इसके संचलन के लिए भी जिम्मेदार है। पर दोस्तों कहानी अभी खत्म नहीं होती है क्योंकि इसके बाद इसी के अगले श्लोक में लिखा गया है कि सर्व योनिसु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्तयः तस्म ब्रह्म महाद योनिर अहम् बीज प्रदापिता।
यानी कि हे अर्जुन, मानवता को यह समझना चाहिए कि जीवन की सभी प्रजातियां इस भौतिक प्रकृति में जन्म से संभव हुई है और मैं ही इस प्रकृति रूपी माया में बीज देने वाला पिता हूँ। अब जरा इन दोनों ही सिनेरियोज को एक दूसरे के पैरेलल रखिए और कंपेयर कीजिए। सिमुलेशन हाइपोथेसिस के हिसाब से हमारी दुनिया सिर्फ एक आर्टिफिशियल वर्ल्ड है और वेदों में भी इसी कॉन्सेप्ट को माया के नाम से जीवित प्राणियों तक पहुँचाया गया है। सिमुलेशन हाइपोथेसिस के हिसाब से हम लोगों को कोई और कंट्रोल कर रहा है और वेदों के हिसाब से भी हम सब के पालनहार एवं रचयिता स्वयं ईश्वर है। सिमुलेशन हाइपोथेसिस के हिसाब से हमारे सभी काम हमारे अपने ना होकर हमसे करवाए जाते हैं और वेदों एवं पुराणों में भी तो यही लिखा है कि इस मायावी दुनिया में जब आत्मा किसी शरीर के अंदर होती है तो वो विधि के विधानों के अंतर्गत आती है। तो इन सभी सिचुएशंस में हम लोग तो हर एक एंगल से यही देख रहे हैं कि वैज्ञानिक हमारे वेदों में लिखित माया को ही सिमुलेशन हाइपोथेसिस के सोफिस्टिकेटेड नाम से दुनिया को बता रहे हैं। पर यह सब जानकर बहुत बुरा लगता है कि इतने नॉलेजेबल कल्चर से बिलोंग करने के बावजूद हम लोग अपने ही पुराणों को सच नहीं मानते और इन पर विश्वास करना छोड़ देते हैं। अब सोचिए यार, ये तो सिर्फ 0.00000001% से भी कम झलकती उस ज्ञान की जो हमारे वेदों में छिपी हुई है। और अगर आप इसे और एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और नीचे कमेंट्स में बताइए कि आपको इसका अगला पार्ट चाहिए या नहीं। अगर आपके कमेंट्स ज्यादा हुए तो डेफिनेटली मैं इसका अगला पार्ट भी लेकर आऊंगा। अब दोस्तों, मैं यहाँ क्लियर कर दूं कि इस वीडियो को बनाने का मकसद बिल्कुल भी आप लोगों के अंदर अंधविश्वास को फूंकना नहीं है। अंधविश्वास और रैशनल थिंकिंग बहुत ही अलग अलग चीज है। अब अगर आपको कोई भी बाबा या मंत्री या नेता कोई भी कुछ भी कह दे और आप आंख बंद करके उस पर विश्वास कर ले तो ये अंधविश्वास है। आपको हर एक उस फैक्ट और साइंस को जानना चाहिए कि क्या वो सही है, क्या मैं जो करना जा रहा हूँ वो सही है या नहीं। ये होता है रैशनल थिंकिंग और इसी को हम चाहते हैं कि आप जाने। हमारे भारत की विविधता में बहुत सारा ज्ञान छिपा हुआ है। उस ज्ञान को बाहरी देशों से आए हुए साइंटिस्ट ने अपने आप को बड़ा करने के लिए काफी ज्यादा यूज किया, लेकिन हम भारतीय उसे यूज नहीं करते। तो बस यही मोटिव है इस टाइप के वीडियोस का कि आप लोग भी उस ज्ञान को जान सके। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, उसे कुछ नया सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए हो चैनल पर इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर दबाना ताकि आप देख सको हमारे वीडियोस सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।